हाय 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 मदीना 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 कहना पड़ता है नाम मुझे नहीं पीना। अच्छा तो ये मैं मौजूद हूँ जीएफ पर। जीएफ तू समझा तो पर चेक करते हैं। मेरे ख्याल में मेरे अबू ये वाले ला देते हैं। आज मैंने उठाया जो फ्रीदी कहते नहीं है वो बॉक्स। अच्छा तो आज क्या देख रहे हो डॉक्समैन के कौन व्लॉग देख रहे हैं आप यार। आज मेरा मदीने में है दूसरा दिन और मैं जाने वाला हूँ खजूरों की मार्केट खजूरे लेने के लिए। कल का दिन मेरे पास है क्योंकि कल मेरा लास्ट दिन है यहाँ पर। कल का दिन क्योंकि लास्ट दिन है तो इसलिए उसके रूटीन का कोई पता नहीं, कोई भी काम निकल आ सकता है। पर सबसे पहले आप जाएंगे कुछ खाने के लिए अपने लिए लेकर आएंगे तो चलिए चलते हैं। हाय 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 मदीना मदीना मदीना। तो यार कल मैंने एक होटल ढूंढ लिया था पाकिस्तानी अपने लिए और मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि एक मुझे एक आधी पाकिस्तानी ऑर्डर मिला है बड़ी मुश्किल से। कल एक नया होटल मुझे नजर आया है पाकिस्तानी रास्ते में, चलो इसे ट्राई करते हैं आज। आपने कोल्ड ड्रिंक पी ले पेप्सी। तो यार मैं तो जब से आया हूँ मुझे आदत सी हो गई है रोज बिरयानी खाने की। अच्छी ये तो छोड़ो, तकरीबन इस तरह बोल दीजिए आपके मैं एक आधे महीने से लगातार डेली पेप्सी पिए जा रहा हूँ दिन में दो मरतबा, जो कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। बट क्या करे, मजबूरी है यार, अब यहाँ आदत लग चुकी है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि मैं बहुत ही कम पीता हूँ, इंतहाई कम, यानी कि अगर दोस्तों के साथ चला भी जाऊँ तो वो लोग पी लेते हैं और मुझे कहना पड़ता है नाम मुझे नहीं पीना। तो ये मैं मौजूद हूँ जीएफ पर। जीएफ तू समझा? हाँ मतलब ग्राउंड तो यार। अच्छा बहुत ही हसीन मौसम हो चुका है और हल्की हल्की बारिश होने शुरू हो गई है, अगर नजर आ रहे हो ये बारिश के कतरे आप लोगों को। और मुझे भी पता चला है कि जो पिछला वो खजूरों का मार्केट था जो मैं अबू के साथ जाया करता था वो इन्होंने दबाव बर्बाद कर दिया, यानी उसे खत्म कर दिया है। तो भी मुझे किसी और से पूछना होगा, कहीं और जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, तो आप किसी से पूछते हैं, चलो इनसे पूछते हैं या यहाँ के वर्कर्स लग रहे हैं तो इन्हें यहाँ की इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा तो मेरे पठान भाइयों ने मुझे बताया है कि मुझे जाना होगा पहले हरम और जहाँ पर उसे रसूल की ज्यारत होती है और पर सलाम होता है, वहाँ से गेट निकला है खजूरों की मार्केट की तरफ, वहाँ मैं पहुंचूंगा और किसी पूछूंगा तो वो मुझे पहुँचा देगा। तो अगर वैसे भी उस तरफ जाना है तो चले मजे से सलाम देकर ही जाते हैं। पुल क्रॉस करोगे ना बिलाल मस्जिद आ। अच्छा तो मैं सही जगह आया हूँ, ये वाला रास्ता सीधे के सीधे इस पर क्रॉस। मैं फिर हरम की तरफ आ गया हूँ क्योंकि ये ग्रीन मीनार जो नजर आ रहे है, क्या हुआ है मेरे साथ, पीछे भी हरम और आगे भी हरम। ये मेरे ख्याल में बिलाल मस्जिद होगी, जो उसने कहा था कि यार पुल के बाद बिलाल मस्जिद आ जाए, ग्रीन मीनार मुझे लगा था सिर्फ हरम में होंगे। तो A few moments later, पूछ कर एक से दूसरे से फाइनली मैं पहुंच गया हूँ खजूरों की मार्केट पर। अच्छा एक बंदा तो कमाल करता है, मैंने उसे पूछा खजूरों की मार्केट का है, कहते बंदे आओ यहाँ पर एक शॉप है होलसेल, वहाँ से ले लो। मगर क्यों? अपनी बेचने के लिए मुझे कह रहे कि बंदे, असल में वो जगह हरम के बिल्कुल करीब है तो वहाँ महंगी मिलती है नॉर्मली चीजें। इस शॉप पर चेक करते हैं। मेरे ख्याल में मेरे अबू ये वाले लाते थे यार, वो तो डिफरेंट लाते थे दोस्तों के साथ, पर ये वाले भी। ये एक किलो कितने रियाल का है? ये मबरू का है, ये 20 रियाल। लेट्स चेक इट आउट। मैं उसी मार्केट के लिए आया हूँ, मैं 5 साल बाद आया हूँ, 5 साल पहले उम्र पर आया था। वो टूट गई है। 8 किलो आप पहले भर देना, मुझे अंदाजा हो जाएगा, अगर फिर ज्यादा करना हुआ तो 10 किलो कर लेंगे। ये पूरा काटा कितने किलो है? ये हो जाएगा 18-19 किलो। हाँ ये ज्यादा हो जाएगा। ये अजबो की जुड़ी जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं कि ये 7 दाने का लो नहार मुँह तो पर न जादू तवीज काम करते हैं, न सांप काटा सा ना कुछ। हम दुकानदारी करते हैं, देना पड़ता है, ये बंगाली ले जाते हैं सारे, देते हैं। 1 किलो मुझे, 1 किलो अजवा दे दे मुझे। हल्का ना हल्का होए ना होए यार होना चाहिए।
ये ले भैया, बड़ी मेहरबानी। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक मार्केट थी, मुझे याद है अबू के साथ में ज़्यादा था, तो अभी मुझे पता चला उसका नाम बंगाली मार्केट है और वो सच में ख़त्म हो गई है। वहाँ पर बहुत मतलब अच्छे रेट में मिल जाते थे खजूरें। तो अब मैं ले चुका हूँ खजूरें, पहले इसे पहुँचाते हैं रूम और उसके बाद दोबारा से आ जाएंगे हरम पर। इसे पहले पहुँचाते क्योंकि बहुत भारी है और टैक्सी के लिए भी मैं रुका हूँ। ओ एक टैक्सी रुक चुकी है, अब इससे चलो पूछते हैं। यहाँ की टैक्सी के रेट्स तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। मैं वहाँ से यहाँ आप पहुँचा हूँ होटल तकरीबन 10 रियाल में और गाड़ी का रास्ता काफ़ी लंबा है, उसको बहुत कराना पड़ता है। अगर ये दुबई होता तो कम से कम 60-55 दिरहम पर आ जाते थे, यानी कि यहाँ से 5-6 गुना ज़्यादा। अच्छा, मैंने रूम में रख दी है खजूरें और अब मैं वापस जा रहा था हरम की तरफ, पर मुझे याद है कि मुझे कीस छोड़नी है क्योंकि मेरा मेट अगर आ गया तो फिर वो जल्दी आते हैं, मैं काफ़ी लेट आता हूँ हरम से, तो फिर उसे कीज़ नहीं मिलेगी, तो कीज़ मुझे काउंटर पर छोड़नी है ताकि उसे मिल जाए। कीज़ काउंटर पर मैं छोड़ चुका हूँ। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट टाइम था खुद खजूरें खरीदने का, आई मीन मतलब इस तरह उम्र पर आकर खजूरें खरीदने का घर के लिए और मेहमानों के लिए जो आएंगे फिर मुबारक के लिए कि यार मैंने उम्र किया है, उम्र मुबारक हो। दिस वन इज गुड, केक के साथ उठा लेते हैं यार। ये है वो होटल, जापानी होटल जो होते हैं, मुझे भी मिल चुका है। अगर वापसी में ये खुला हुआ तो इनसे ज़रूर लेंगे। इनके पास रोटी मिलती है बड़ी ज़बरदस्त अफगानी और साथ में दाल होती है। ओ हो, जब भी अबू के साथ आता था हम ज़्यादातर यही खाते थे और उसका जो मज़ा है ना, ना तो बिरयानी में है ना किसी और चीज़ में। मैं इतनी चीज़ें खा चुका हूँ, वापसी करेंगे तो देखेंगे, अगर ये खुला हुआ तो इंशाल्लाह आज ये खाएंगे। और ये बेसन सीट की जो बोतल है ना, ये ड्रिंक, ये थी दुबई में 3 दिरहम की और मेरे ख्याल में 3 रियाल की मक्का में थी, मदीना में यार 4.5 रियाल की, बड़ी महंगी है। मैं हरम से वापसी पर हूँ और मैं इतनी देर तक हरम में इसलिए रुकता हूँ क्योंकि रोज़े मुबारक पर बहुत ज़्यादा रश होती है सारा दिन, आप सही तरीके से सलाम भी नहीं कर सकते और इतनी दकम की होती है, बहुत हद से ज़्यादा रश होती है। और जब ये टाइम हो जाता है ईशा की नमाज के बाद, जितना आप लेट रुकेंगे उतनी आसानी होगी क्योंकि लोग फिर चले जाते हैं होटल सोने के लिए और खाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, तो ये टाइम बहुत बेस्ट होता है, आप बड़े आराम से और इत्मीनान से सलाम देकर आ जाते हैं। होटल तो खुला है बट लाइट सी के कुछ है भी कहीं, कुछ रश तो बिल्कुल नहीं है। फिर इनके पास तो ख़त्म है सब कुछ, अब जाते हैं, उसने मुझे एक दूसरा होटल दिखाया गवानी वो रास्ते में ही आता है, दुआ करूँ कि वहाँ पर तो हो कुछ यार, बड़ा मज़ा आ जाएगा। मुझे लगा भी था कि लेट है, उसने कहा था इस लाल लिकाई के पास, मुझे तो यही नज़र आ रहा है लाल लिकाई के पास। हाँ भी ख़त्म है यार, अब वही नॉर्मल जैसा पेटा लेना पड़ेगा, बिरयानी या कुछ। और तो आज कुछ डिफरेंट उठा दिया है और बिल्कुल ज़रा खुशी हुई है, आज मैंने उठाया जो अफरीदी कहते नहीं है अच्छा। सो यार मेरे व्लॉग्स की तरह अब मेरे ख्वाब भी तनहा, मेरे व्लॉग्स की तरह मेरे ख्वाब भी अभी तनहा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिन हो गए यार, बहुत दिन हो गए हैं निकला हूँ अकेले अपने सफ़र पर, तनहा तनहा निकल रहा हूँ कभी कभी खजूरों के लिए कभी। अच्छा यार, जो ज़रूरी ज़रूरी काम थे वो हो गए हैं, खजूरें भी मैंने ले ली है और जब मैं वापसी जाऊंगा, मेरी फ़्लाइट जो है वो जिदा से है, तो जिदा जाते हुए मुझे मक्का से गुजरना पड़ेगा, तो मक्का से गुजरना पड़ेगा तो मैं रास्ते में जमजम भी ले लूँगा, तो जमजम भी हो गया और खजूरें भी होगी। ये इसलिए क्योंकि मैं तो टूर के लिए निकला था, पर मुझे भी वो एहसास हो रहा है यार कि मैंने उम्र किया है, लोग आएंगे प्रोग्राम होगा, जब मैं वापस जाऊँगा कोई मजाक तोड़िए, उम्र किया है अपने भाई ने यार। इसीलिए मुझे इजाज़त दीजिए आप, क्योंकि मुझे जाकर वापस सोना है। और अपना ख्याल रखिए एंड अल्लाह हाफिज़।